सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन में हम लोगों ने कितना लघुतरीय प्रश्न पढ़ लिया? दो लघुतरीय प्रश्न पढ़ लिया। आज टारगेट रहेगा कि इसे ख़त्म करना है, ऑब्जेक्टिव ख़त्म करना है, बहुत टारगेट है, थोड़ा स्पीड में रहेगा। सो आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, गोल्ड संख्या, स्वर्णांक, स्वर्ण संख्या के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत शानदार टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्वर्ण संख्या। स्वर्ग मत लिख देना गधा, हम बोल रहे हैं स्वर्ण, तुमने बोल रहा है स्वर्ग। चटा स्वर्ण संख्या या गोल्ड संख्या, किसे कहते हैं? अभी से देखो स्वर्ग सिधारने का कितना मन है, एग्जाम कौन देगा उसके बदले में? चलो सर इसको लिखो, लिखने से पहले ना समझो, समझना जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है। बोर्ड में नहीं लिखना, फिर समझा के चलाना, समझ रहे हो ना बात? फिर कितने जरूरी है वो पता चलेगा रिजल्ट के बाद। छोटा कहेगा जहां समझना जरूरी है वहां समझिए, जहां लिखना जरूरी है वहां लिखिए, ठीक है? और उल्टा पुल्टा काम मत कीजिए। देखिए इधर देखिए, ये एगो टब ले लीजिए, बाल्टिंग ले लेना है, ठीक है? और बाल्टिंग में पानिया डाल देना है, क्या डालना है? पानी डालना है। पानी डालने के बाद उसका सोना का सॉल बनाना, गोल्ड सॉल, AU सॉल, वैसे उसमें से फिर बने हुए सॉल में से कितने सॉल निकाल देना है, 10 ml। बच्चा वाला ड्रॉप पिलाने के लिए आता है, डाब के निकाल दीजिए, मुंह में डाल दीजिए, आकर के खत्म हो जाएगा ना, तो वो ड्रॉप ले लीजिए 10 ml वाला। 10 ml ड्रॉप से 10 ml गोल्ड सॉल निकालिए ड्रॉप से, और गोल्ड सॉल निकालने के बाद उसमें ना 1 ml मिलाइए, क्या मिलाइए? 1 ml मिलाइए NaCl का बिलियन, NaCl का बिलियन। कितना ml मिलाना है? 1 ml मिलाना है, और उसमें NaCl कितना प्रतिशत होना चाहिए? 10%। बड़ा कैलकुलेटिव बात है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना, हर एक चीज़ को कैलकुलेट करना। जैसे 10 ml मिला देंगे, ये सॉरी 1 ml NaCl मिला देंगे, तो इसका स्कंदन होने लगेगा, किसका? गोल्ड सॉल का। स्कंदन मतलब गोल्ड का जो सॉल है वो बदलने लगेगा। भाई किस में बदलने लगेगा? अवक्षेप में। किस में बदलने लगेगा? अवक्षेप में बदलने लगेगा, ठीक है ना? जैसे अब अवक्षेप में बदलने लगा तो इसको रोकना है, अवक्षेप बनने से क्या करना? रोकना है। तो अवक्षेप बनने से रोकने के लिए इसमें फिर एक कोलाइड मिलाएंगे, जिसको क्या कहेंगे? रक्षी कोलाइड। कौन सा कोलाइड? रक्षी कोलाइड या रक्षक कोलाइड। इस रक्षक कोलाइड का या रक्षी कोलाइड का मिलीग्राम में मात्रा मिलाएंगे, किस ग्राम में मिलाएंगे? जितना मिलीग्राम मिलाने के बाद ये अवक्षेप बनना यानी स्कंदित होना रुक जाए, उसी मिलीग्राम वाले मात्रा को कौन संख्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या। तो मन में एक विचार नहीं आया कि सर जब रोकना ही था तो काहे सोना सॉल में नमक बिलियन मिला के स्कंदन चालू करवाए? करवे नहीं करते, जरूरी की था जब अंत में रोकना ही था ना, तो ठीक है। मतलब स्कंदन हो तो उसको रोकने के लिए एक वैज्ञानिक पैमाना बनाया गया, जिस पैमाना को किस नाम से जाना जाता है? या स्वर्णांक। कौन नांक? स्वर्णांक। सो लिखिए किसी रक्षक कोलाइड का मिलीग्राम में वह मात्रा, किसी रक्षक कोलाइड का मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल, जो 10 ml गोल्ड सॉल में
एक एम एल एन ए सी एल में एक एम एल एन ए सी एल बिलियन के 10% मात्रा द्वारा होने वाले स्कंदन को रोक देता है उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। अब जरा ध्यान से, किसी कोलाइड का रक्षण क्षमता स्वर्ण संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है सर? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात रक्षण क्षमता व्युत्क्रमानुपाती स्वर्ण संख्या। ये मैथमेटिकल फॉर्म्स आपको लिखना पड़ेगा यदि आपको नंबर लेना है तो। एग्जाम्पल किसी को याद है कुछ? एक एग्जाम्पल, जैसे जिलेटिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, स्टार्च। कम से कम इस चार का स्वर्णांक अर्थात स्वर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए। कम से कम कितना? इस चार का। तो भाई इस चार के स्वर्णांक क्या क्या हो सकते, किसी को मालूम है? याद है? एक वो किसका? जिलेटिन का। बोलो कितना? जीरो जीरो, ये तो उल्टा नहीं बोल दिया आप? कम से ज्यादा होता है, ज्यादा से कम बोल रहे हैं आप, ठीक है? 0.005 से लेकर 0.01 तक ना, ठीक है? तब बोला 0.01 बोल रहे हो। उसके बाद आ जाओ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कितना होता है, किसी को मालूम है? 0.03 से लेकर 0.07 तक। एल्बुमिन का 0.1 से लेकर 0.3 तक। स्टार्च का 20 से 25, कितना तक? 20 से 25। तो मुख्य है कि कई बार क्वेश्चंस देखे गए हैं जिलेटिन और स्टार्च, ये एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं, इस पर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, अधिशोषण, यही है ना कि कुछ अलग है वो? क्या है? हाँ तो बोलो उन पर। अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन है अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर स्पष्ट करें। अंतर लिखते समय हमेशा आप चीजों को दो कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में बांटते हैं? दो कैटेगरी में बांटते हैं। आमने सामने करैक्टर के अनुसार अंतर को लिख डालते हैं। तो चलिए लिख डालिए। आपको क्या लगता है पहला अंतर आप क्या लिखने वाले हैं? अधिशोषण किसको कहते हैं? अधिशोषण, देखिए अधिशोषण की क्रिया जो होता है वो अधिशोषक के सतह तक ही होता है। कहां पर होता है? सतह पर होता है। और अवशोषण की क्रिया पदार्थ के आंतरिक भाग में होता है, अंतः भाग में होता है, नहीं अंदर तक पार्टिकल्स पहुंच जाएगा। समझ आई बातें? तो लिखिए अधिशोषण में यह अधिशोषक के
सतह तक ही या सतह पर ही संपन्न होता है। मैं लिखना भी है ना, एक मिनट हम लिख देते हैं। यह अधिशोषक के सतह पर संपन्न होता है। चित्र बना दीजिए, चित्र बनाइए, आराम आराम से चित्र बनाइए। चित्र को ही फिगर कहते हैं, सही बात है। अब इसमें आ जाओ सर। अरे ये बात हम थोड़ी बोले थे, ऋषिया बोला था। ठीक है, लिखिए। यह अवशोषक के आंतरिक भाग में संपन्न होता है। नंबर दो, मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो है पृष्ठीय घटना है। यह पृष्ठीय घटना है और यह क्या है, यह साम्य, यह साम्य या स्थूल घटना है। इसके अलावा देखो, अधिशोषण जो होगा ना, ये तीव्र गति से संपन्न होगा। ये क्या होगा, तीव्र गति से। ये क्या होगा, मंद गति से। यह तीव्र गति से संपन्न होता है। इसमें लिख दोगे, यह मंद गति से संपन्न होता है। तो भाई एक तीव्र गति से संपन्न हो रहा, दूसरा मंद गति से संपन्न हो रहा। लिखिए इसको भी आप आराम से। पांच नंबर क्वेश्चन है सर, चलिए बढ़े। हाँ बाकी वीडियो में देख लेना। क्वेश्चन नंबर पांच, स्कंदन किसे कहते हैं, क्या स्कंदन किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट लेवल वाला। देखिए, जैसे एक प्रक्रिया था पेप्टीकरण किसे कहते हैं, तो ताजे बने अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाता था। उसी प्रकार से ना सर, अवक्षेप से ना कोलाइडी विलयन से अवक्षेप बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। सो लिखिए, तो कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाता है। कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। ठीक है, यानी हम इस प्रक्रिया में क्या करेंगे, अर्थात हमारे पास क्या होगा, कोलाइडी विलयन होगा। कौन सा विलयन होगा भाई, कोलाइडी विलयन होगा। और इस कोलाइडी विलयन को हमें किस चीज़ में परिवर्तित करना है, अवक्षेप में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रक्रम अपनाएंगे, स्कंदन अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, स्कंदन। समझ वाली बात ना। ठीक है सर, अब स्कंदन करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, स्कंदन के महत्वपूर्ण विधि, स्कंदन का महत्वपूर्ण विधि। तो भाई देखो, स्कंदन के कौन कौन से विधि हैं। नंबर एक, सबसे पहला, किसी भी चीज़ को स्कंदित करने का जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है, उसका नाम है हम लोगों के पास विपरीत आवेश वाले
कोलाइड को मिलाकर। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव कोलाइड है तो उस पॉजिटिव कोलाइड में हम कौन सा कोलाइड मिला देंगे, निगेटिव कोलाइड मिला देंगे, तो क्या बनेगा, उदासीन। और उदासीन चीज़ें ही क्या होता है, अवक्षेप हो जाता है। क्या हो जाता है, अवक्षेप हो जाता है। दूसरा सेकेंड पॉइंट, लगातार अपोहन द्वारा, खूब अपोहन कराएंगे तो भी वह अवक्षेप में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा विद्युत अपघटन के द्वारा भी करा सकते। क्लियर, चलिए यहां तक नोट करिए। छठा क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित पर क्या करें, टिप्पणी करें। सबसे पहला है सर सहचरित कोलाइड को संयोजित कोलाइड के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कोलाइड, संयोजित कोलाइड। भाई ये संयोजित कोलाइड क्या है, इसको भी डिफाइन करना है तो कर लेते हैं। देखिए कुछ कोलाइड्स ऐसे होते हैं जो डुअल नेचर के होते हैं, ये भी डुअल नेचर का है। जब इसको पतला कर देंगे, तनु विलयन में कर देंगे तो वैद्युत अपघट की तरह व्यवहार करेगा, और सांद्र विलयन में मतलब गाढ़ा कर देंगे तो यह कोलाइडी कण के तरह व्यवहार करेगा। तो जो तनु विलयन में वैद्युत अपघट की तरह और सांद्र विलयन में कोलाइडी कणों की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं, सहचरित कोलाइड। लिखिए, वैसा कोलाइड जो तनु विलयन में वैद्युत अपघट्य के तरह एवं सांद्र विलयन में कोलाइडी कणों के तरह व्यवहार करता है उसे सहचरित कोलाइड कहते हैं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। सहचरित कोलाइड के कणों को मिसेल्स कण कहते हैं। सहचरित कोलाइड के कणों को कौन सा कण कहते हैं, मिसेल्स कण कहते हैं। जैसे साबुन का झाग इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, नंबर दो पे आ जाओ सर। बहुआणविक कोलाइड सर नाम से पता चल रहा, जो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होगा उसे क्या कहेंगे। लिखिए, वैसा कोलाइड जिसका निर्माण छोटे छोटे
कणों के संयोजन द्वारा होता है उसे बहुआणविक कोलाइड कहते हैं, जैसे सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल इटीसी। ये बहुआणविक कोलाइड के एग्जाम्पल हैं, नोट कर लो सर तेजी से। थोड़ा और आगे बढ़े, बहुआणविक के बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं कहां पर, अगला एग्जाम्पल अगला लिख लो सर, नंबर थ्री। नंबर थ्री तीसरा है सर बृहत आणविक कोलाइड। सर बृहत आणविक कोलाइड किसको कहेंगे? देखो बृहत आणविक कोलाइड किसको कहेंगे, तो वैसा कोलाइड जिसका निर्माण बड़े आकार वाले कणों के कोलाइडी कणों में टूटने से होता है, उसका निर्माण जुटने से हो रहा था, इसका निर्माण लिखिए वैसा कोलाइड जिसका निर्माण उच्च अनुभार वाले कणों के कोलाइडी कणों में विघटन के कारण होता है उसे बृहत आणविक कोलाइड कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर जितने भी कोलाइड्स होते हैं वो सारे बृहत आणविक कोलाइड होते हैं, जैसे स्टार्च सॉल, सेलुलोज सॉल इटीसी। इस तरह के सॉल जो जीवित प्राणियों में होते हैं उसे बृहत आणविक सॉल कहते हैं। चौथा पॉइंट है हम लोगों के पास कृत्रिम वर्षा, मतलब कुल मिलाकर कहिए मानव निर्मित वर्षा, आर्टिफिशियल रेन की कृत्रिम वर्षा किसे कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये बादल है। तो आर्द्र मौसम में बादल के ऊपर धूलकण का छिड़काव करते हैं, किसका छिड़काव करते हैं, तो धूलकण बादल को उदासीन बनाकर वर्षा जल के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब चूंकि वर्षा जल हवा में अटका तो नहीं रहेगा, पृथ्वी सतह पर गिरेगा, तो ऐसे वर्षा को हम कौन सा वर्षा कहते हैं, कृत्रिम वर्षा कहते हैं। सो लिखिए, तो लिखिए जब बादल के ऊपर धूल कण का छिड़काव किया जाता है, तो वह
वर्षा जल में परिवर्तित होकर पृथ्वी सतह पर गिरने लगता है। यह घटना कृत्रिम वर्षा कहलाता है। कृत्रिम वर्षा के सहायता से वैसे क्षेत्रों में वर्षा कराया जा सकता है जहां प्राकृतिक रूप से वर्षा नहीं होती है, जहां प्राकृतिक रूप से वर्षा नहीं होती है। चलिए, यहां से है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, ये नहीं है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एक अच्छा क्या है, अवशोषक या अधिशोषक? अवशोषक। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एक अच्छा अवशोषक है। अधिशोषण की प्रक्रिया कैसा है, जरा ध्यान से देखिए। ऊष्माशोषी, पृष्ठीय घटना, ऑक्सीकरण, अवकरण। तो पृष्ठीय घटना, अगर इसी में ऊष्मा छेपी रहता तो वो भी हो जाता ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध क्या है, जल में परिक्षेपित वसा या वसा में परिक्षेपित जल? मतलब दूध में क्रीम ज्यादा होता है कि पानी ज्यादा होता है? पानी ज्यादा होता है, क्रीम कम होता है ना। जल में परिक्षेपित वसा है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचालन कहलाता है। कोलाइडी विलयन की कौन सी अवस्था कुहासा में होती है, यानी कोहरा में कौन सी होता है? कोहरा में गैस ज्यादा होता है, पानी कम होता है, यही बात होता है ना। तो देखो, गैस का ठोस में नहीं, गैस का द्रव में। जो पदार्थ द्रव के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है उसको क्या कहते हैं? पृष्ठ सक्रिय कारक। कौन सा कारक? पृष्ठ सक्रिय कारक। चलो आगे बढ़े सर। चलो सर, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो भाई अगला क्वेश्चन इधर है, इधर रहा नंबर क्वेश्चन 7। दूध किसका उदाहरण है? हाँ, द्रव का द्रव में, मतलब वसा का जल में, पायस, ठीक है। द्रव में द्रव के परिक्षेपण को क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? परिवर्तित करता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, मतलब परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, कोलाइड के कणों का आकार क्या होता है? 10^-6 से 10^-4 से। एक्चुअल में ये क्या होता है समझो, कोलाइड के कणों का आकार होता है 10^-9 मीटर से 10^-6 मीटर तक, यानी 10^-7 सेंटीमीटर से 10^-4 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ देखिए, अगर हम एक रेंज बनाएं, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, तो भाई ये रेंज है एक्चुअल में, इसी के अंदर वाला दिया हुआ है ना, इसलिए रेंज के अंदर है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगर रेंज के बाहर रहता तब क्या करते? नन ऑफ दीज करते। ख्याल रखना, ये मत सोचिएगा कि 10^-7 से -4 होता, ये तो है ही नहीं, गलत नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात ना। पायस का परिक्षेपित प्रावस्था क्या होता है? द्रव होता है। परिक्षेपण माध्यम भी इसका क्या होता है? द्रव होता है। सहचरित कोलाइड के कण को क्या कहते हैं? मिसेल्स कण कहते हैं। एक आणविक सतह का निर्माण करता है कौन? करता है
भौतिक बहुआणविक करता है, रासायनिक एक आणविक सतह का निर्माण करता है। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, चलो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 14। वह उत्प्रेरक जिसका भौतिक अवस्था अभिकारक एवं उत्पाद के भौतिक अवस्था के समान नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अगर समान होता तो क्या कहते? अभी है नहीं ना, तो केवल कयासे लगा सकते हैं ना। आकाश नीला किस कारण से दिखाई देता है? कौन प्रभाव से? और टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? प्रकाश के परकिरणन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के। मान लीजिए आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, उसमें टिंडल प्रभाव ऑप्शन ना रहे और प्रकाश का परकिरणन रहे तो सही हो जाएगा ना। ठीक है, एंजाइम क्या है? एंजाइम अति विशिष्ट होता है, अति विशिष्ट नहीं होता, अभिक्रिया के उपरांत परिवर्तित हो जाता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। एंजाइम कैसा होता है? बहुत स्पेशल होता है, अति विशिष्ट होता है। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है? हाँ, भौतिक अधिशोषण ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोलाइडी सॉल है, वास्तविक विलयन, निलंबन, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। स्वर्ण संख्या संबंधित है, रक्षी या रक्षक कोलाइडों से। आगे बढ़ा जाए। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन में चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है सर अगला क्वेश्चन? क्या है सर अगला क्वेश्चन? तो देखो जरा ध्यान से, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? इमल्सीकरण प्रक्रिया द्वारा निकालता है। ठीक है, रक्षी कोलाइड एक ए है, बी है, सी है, डी है, इसके स्वर्णांक क्रमशः दिए हैं। तो रक्षण क्षमता का सही क्रम, अभी जस्ट आपने देखा भाई, रक्षण क्षमता जो है वह स्वर्णांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन पाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका स्वर्ण संख्या सबसे अधिक उसका रक्षण क्षमता सबसे कम, जिसका रक्षण क्षमता ये स्वर्ण संख्या सबसे कम उसका रक्षण क्षमता सबसे अधिक। तो देखो डी का रक्षण स्वर्णांक सबसे कम है ना, तो डी का स्वर्ण संख्या सबसे अधिक है, ये सॉरी सबसे कम है, तो रक्षण क्षमता सबसे अधिक होगा। देखो इसमें बोल रहा है सी का सबसे अधिक है, गलत कर लो, इसमें बोल रहा है ए का सबसे अधिक है, उसको भी गलत कर लो, मतलब हम या तो सी नंबर ऑप्शन पर या डी नंबर ऑप्शन पर चल सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा कम किसका भाई? तो सी, सी से थोड़ा सा कम वैल्यू किसका है? बी का। ये किसका है? ये है डी, ये है सी, ये है बी, तो सी से जस्ट कम बी का, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, एक दो चेक करो, हो गया खत्म कहानी। निम्न में कौन द्रव स्नेही कोलाइड है? दूध, गोंद, कुहासा या रक्त? क्या होगा उसके बाद है? निम्न में किसका स्वर्णांक सबसे कम होता है? जिलेटिन। विलयन जिसमें कणों का परकिरणन होता है उसे क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन। कौन सा विलयन कहते हैं? कोलाइडी विलयन। भौतिक अधिशोषण का वेग निम्न में से किसके साथ बढ़ता है? भौतिक अधिशोषण का वेग किसके साथ बढ़ता है? भौतिक अधिशोषण का वेग ताप में कमी के कारण बढ़ता है। किसके कारण बढ़ता है? ताप में कमी के कारण। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं जल्दी से। नंबर 26। कितना नंबर? 26। थोड़ा और छोटा करो। हाँ, ये देखिए, निम्नलिखित अपघटों में से AgI Ag प्लस सॉल के लिए किसका स्कंदन मान सबसे अधिकतम होगा? देखिए स्कंदन मान जो है ना वो सीधा समानुपाती वांट ऑफ फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? वांट ऑफ फैक्टर। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर, इसको तोड़ के देखोगे तो इसका वांट ऑफ फैक्टर आपको 3 मिलेगा, इसको तोड़ के देखिएगा तो इसका वांट ऑफ फैक्टर आपको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। इसको तोड़ के देखिए इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना मिलेगा? 2 नहीं 3 मिलेगा। इसको तोड़ के देखिए इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर। किस विधि द्वारा द्रव विरागी सॉल का रक्षण किया जा सकता है? देखिए यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन इस दोनों को ना सही करके सबसे ज्यादा हम क्या सही करेंगे? सी नंबर सही करेंगे। कौन सही करेंगे? सी नंबर। क्यों सही करेंगे? क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है द्रव विरागी और यहाँ दिया हुआ द्रव रागी, तो बिल्कुल विपरीत नेचर वाला है ना, तो ये आपका करेक्ट होगा। अल्कोहल को विभिन्न प्रकार के गैसोलीन उत्पाद में बदलने के लिए आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक जो को प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा होता है? ZSM5 नाम का एक उत्प्रेरक है जिससे अल्कोहल को विभिन्न प्रकार के गैसोलीन उत्पाद में बदला जाता है। टिंडल प्रभाव का कारण क्या? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अधिशोषण और प्रकाश का अवशोषण या प्रकाश का परकिरणन।
ताला कुंजी मत संबंधित है, किससे संबंधित है? एंजाइम उत्प्रेरक से। अधिशोषण के प्रक्रम में साम्य अवस्था पर ना डेल एच बराबर होता है डेल टी एस। एक्चुअल में क्या है समझिए, एक सूत्र होता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस। तो साम अवस्था पर ये वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डेल एच बराबर टी इंटू डेल एस, भाई यहाँ पर माइनस है तो इस तरफ आ जाएगा, यानी टी इंटू डेल एस बराबर क्या डेल एच, दोनों आपस में क्या इक्वल बराबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की धातु प्रभावी उत्प्रेरक बनाता है, संक्रमण धातु। निम्न में कौन सा अंतरापृष्ठ प्राप्त नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में कौन सा अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ मतलब दो अलग अलग पृष्ठ कौन प्राप्त नहीं कर सकता, गैस से गैस सबका एक ही जैसा पृष्ठ होगा। निम्नलिखित में कौन सा अधिशोषण की परिघटना पर लागू नहीं होता, देखो अधिशोषण परिघटना पर लागू नहीं होता, डेल डेल एच का वैल्यू अगर जीरो से अधिक हो जाए, किससे अधिक हो जाए, जीरो से अधिक हो जाए, तो कभी भी वहां पर अधिशोषण नहीं होगा। अधिशोषण होने के लिए डेल एच का वैल्यू क्या चाहिए, जीरो चाहिए, या फिर क्या चाहिए, जीरो से कम चाहिए, किससे कम चाहिए, डेल एच का वैल्यू जीरो से कम चाहिए। तो ये था आपका पृष्ठीय रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म। अब फिजिकल केमिस्ट्री के बाद बारी है किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक एक वीडियो यूट्यूब पर डाला जाएगा, ठीक है।